नमस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों पर आज भारी बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है और अगले 48 घंटों के दौरान मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो कैसा रहेगा जबलपुर कटनी भोपाल सीधी बड़वानी ग्वालियर धार उज्जैन हरदा शिवपुरी मंदसौर रायसेन साजापुर विदिशा श्योपुर अशोकनगर सतना गुना खंडवा डिंडोरी होशंगाबाद समेत किसी भी जिले गांवें शहर में रहते हैं पूरे मध्य प्रदेश के तो इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले गांवे शहर में रहते हैं तो दोस्तों मध्य प्रदेश मौसम विभाग की माने तो पूरे के पूरे भोपाल समेत तेज हवाओ के साथ मौसम में परिवर्तन है एमपी मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में भारी बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया मौसम परिवर्तन देखा जा रहा है और इंदौर उज्जैन भोपाल संभाग के जिलों में भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है एमपी के कई जिलों में भारी बरसात की चेतावनी तो मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी हावो के साथ साथ अरब सागर और दक्षिण पूर्वी हावो के साथ बंगाल की

उज्जैन इंदौर अशोकनगर व नर्मदापुरम में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट और साथ में बड़वानी नरसिंहपुर छिंदवाड़ा शिवनी मंडला बालाघाट पन्ना दमोह सागर छतरपुर डिंडोरी कटनी जाबुआ उज्जैन देवास गुना अशोकनगर शिवपुरी अनूपपुर उमरिया भोपाल रायसेन में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है भारी बरसात की संभावना है चेतावनी जारी की गई है मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज आओ के साथ भारी से भारी बरसात होने और उतार चढ़ाव जारी रहते हुए भी नजर आ सकता है दोस्तों पिछले चौबीस घंटों के दौरान ग्वालियर में अट्ठाईस मिलीमीटर नर्मदापुर में तेरह छिंदवाड़ा में पांच

राजगढ़ साजापुर, शिहोर इंदौर खरगोन खंडवा बुरानपुर हरदा इन जगहों पर और होशंगाबाद में इन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी मौसम में हलचल उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है वही दोस्तों यहां पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया कुछ जिलों में पन्ना सतना उमरिया डिंडोरी मंडला दमवा सागर रायसेन शिवनी बालाघाट छिंदवाड़ा बैतूल हरदा खंडवा इंदौर धार और बड़वानी इन जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओ के साथ बरसात की गतिविधियां जारी रहने को लेकर अलर्ट है साथ में सर्वाधिक बरसात और बिजली गिरने वाले जिलों की बात किया तो गुना में उज्जैन राजगढ़ साजापुर शिहोर भोपाल देवास खरगोन खंडवा हरदा होशंगाबाद रायसेन विदिशा और सागर इन जगहों पर सर्वाधिक बरसात के साथ बिजली चमक सकती है बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी मौसम में हलचल उतार चढ़ाव जारी और तेज आव के साथ मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा साथ में यहाँ पर बादल छाए रहने वाले जिलों की बात किया है तो यहाँ पर मुरैना श्योपुर शिवपुरी आगर निवाड़ी छतरपुर और पन्ना इन जिलों पर दोस्तों यहाँ पर बादल छाए रहेंगे भारी मौसम में बदलाव के साथ बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी मौसम ठंडा सोना रहने रहने चढ़ाव जारी और तेज आओ के साथ मौसम में बदलाव होते हुए नजर आ सकता है कुछ इलाकों पर भारी से भारी मौसम में परिवर्तन होते हुए भी नजर आ सकता है यानी कि दोस्तों पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में हमें बरसात की गतिविधियों के साथ इजाफा देखने को मिलेगा तो विभिन्न इलाकों पर इस समय मध्य प्रदेश के कई जगहों पर बरसात की गतिविधियां देखने को मिल रही है यहां पर मौसम विभाग की माने तो कटनी समेत आसपास के इलाकों पर मौसम में हलचल है तो कुछ इलाकों पर विभिन्न इलाकों पर भारी से भारी बरसात का रूप को मिल रहा है और भारी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना भी रिकॉर्ड किया जा रहा है यहाँ पर एक एक जिले की बात करें तो जबलपुर में रात के समय छब्बीस सत्ताईस की गतिविधियां जारी रहेगी कटनी में शुक्रवार शनिवार से पूरे दिन भारी बरसात होगी बिजली चमकेगी और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है साथ में भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में बरसात हो रही है पूरे सात दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी और भारी बरसात को लेकर अलर्ट भी जताया जा रहा है सीधे में शुक्रवार शनिवार से पूरे, पूरे सात दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकते है बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी मौसम ठंडा सोना रहेगा और तेज आव के साथ बरसात को लेकर अलर्ट है बड़वानी में पूरे चार से पांच दिन छिटपुट मंगलवार बुधवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी मौसम ठंडा सोना रहने के आसार है ग्वालियर की बात की तो पूरे सात दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी मौसम ठंडा सोना रहेगा उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज आव के साथ बरसात को लेकर अलर्ट है धार में पूरे पांच दिन तक छिटपुट बरसात मंगलवार बुधवार से अच्छी बरसात और बिजली चमक सकती है बरसात की गतिविधियां जारी रहने के आसार है उज्जैन में चार दिन छिटपुट सोमवार मंगलवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है

जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव और परिवर्तन होते हुए नजर आएगा मनसौर में पूरे पांच दिन तक छिटपुट बरसात होगी बादल जारी रहेगा और बुधवार गुरुवार को भारी बरसात और बिजली चमक सकती है गतिविधियां जारी रहेगी और भारी बरसात को लेकर अलर्ट भी जताया जा रहे हैं रायसेन में पूरे दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी भारी बरसात को लेकर अलर्ट है बिजली चमक सकती है मौसम में परिवर्तन उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव होते हुए नजर आएगा यहाँ पर साजापुर की बात करें तो पूरे दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी मौसम

को लेकर अलर्ट है बिजली चमक सकती है मौसम में परिवर्तन उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं में बदलाव होगा गुना में पूरे सात दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी भारी बरसात को लेकर अलर्ट है मौसम ठंडा सोना और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है खंडवा की बात करें तो खंडवा में पूरे सात दिन तक छिटपुट बरसात और मंगलवार बुधवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है बरसाती गतिविधियां जारी रहेगी और भारी बरसात को लेकर अलर्ट जताए जा रहे वही दोस्तों डिंडोरी की बात करें तो पच्चीस छब्बीस रात के समय दिन में तीस के आसपास तापमान रहेगा पूरे दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी और भारी बरसात के साथ बिजली चमक सकती है मौसम में परिवर्तन उतार चढ़ाव जारी रहेगा होशंगाबाद में पूरे सात दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी भारी बरसात को लेकर अलर्ट है बिजली चमक सकती है मौसम में परिवर्तन उतार चढ़ाव जारी रहेगा सिंगरौली में दो दिन छिटपुट शनिवार रविवार से पूरे सात दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी भारी बरसात को लेकर अलर्ट है और मौसम में परिवर्तन

लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना